गाइस आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन आज मैं जो भी चीज बनाऊंगा वो मेरे को मिल जाएगी। जैसे अगर मैं स्वॉर्ड बनाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगी और उससे मैं इन मासूम जानवरों पर अत्याचार करूंगा। ओके ज्यादा रोटिंग हो गई। ओके तो अपन स्पॉन हो चुके हैं, तो चलो सबसे पहले कुछ वुड माइन करते हैं। एक सेकंड, मैं वुड कट क्यों कर रहा हूँ जबकि मेरे पास एक जादुई मंत्र है। देखो आपको अभी बताता हूँ, ओम भट भट वुड आजा स्वाहा। और ये देखो मेरी इन्वेंटर में कितनी सारी वुड आ चुकी है। तो चलो इनसे फटाफट से बना लेते हैं अपन एक क्राफ्टिंग टेबल। ओके क्राफ्टिंग टेबल बन गई और बना लेता हूँ फटाफट से कुछ टूल्स। टूल्स भी बन गए, एकदम तैयार हो चुके अपने। अभी मैं एक चीज बता दूं तो भूल ही गया कि मैं बिल्ड कैसे करूंगा। तो गाइस उसके लिए मेरे को बतानी पड़ेगी एक बुक। उस बुक को जैसे मैं जमीन पे, अबे यार घूम भी कहां सका बीच में। हाँ अब ठीक है, थोड़ा दूर आ जाते हैं। हाँ और उस बुक को जैसे मैं जमीन पे इस टाइप से 3 बार टैप करूंगा, वैसे हम पहुंच जाएंगे बिल्ड प्लेस पे जहां पे हम बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज। और यस अपने को विलेज मिल चुका है। मेरे स्पॉन पॉइंट के थोड़ी आगे एक विलेज था, ये हुई ना बात। उससे पहले मैं आसपास देख लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे शुगर केन हो तो, क्योंकि मेरे को बुक बनाने के लिए शुगर केन की जरूरत पड़ेगी। अबे हाँ यहाँ पे आसपास पे कहीं पे भी शुगर केन नहीं दिख रहा है मेरे को। बस इस विलेज में मेरे को लाइब्रेरी का घर मिल जाए। तो गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी इन्वेंटरी में इतना सारा सामान था तो सामान कहाँ गायब हो गया। तो दरअसल मेरे को ट्राइडेंट वाले ड्राउंड ने मार दिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते ये ऐसे ट्राइडेंट वाले। 2 हीट में मर गया यार मैं। बस एक बार मेरे को स्वॉर्ड मिल जाए फिर उसको दिखाता हूँ मैं। पर चलो कोई ना। ओ भाई मेरे को आगे शुगर केन दिख रहा है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ मेरे साथ। तो चलो फटाफट से अपने शुगर केन को तोड़ लेते हैं। ओके तो मेरे हिसाब से इतने बहुत है। और सामने में कोई काऊ भी दिख रही है तो इसको मार देते हैं लेदर के लिए। और ये मर चुकी है। और यहाँ पे रख देता हूँ मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल। और अब बना लेता हूँ मैं सबसे पहले कुछ पेपर। और ये बन गई मेरी बुक। और अब बारी है कि बिल्ड प्लेस में जाने की। तो चलो जमीन पे 3 बार टेप करते हैं, 1, 2 और 3। ओके गाइस तो अपन आ चुके हैं जहाँ पे मेरे को बिल्ड करना है। और मैं यहाँ पे क्रिएटिव मोड में हूँ, तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ना एक खतरनाक सी स्वॉर्ड बनाई जाए। तो उससे पहले मैं कुछ सामान ले लेता हूँ जिससे कि मेरे को स्वॉर्ड बनानी है। ठीक है तो मेरे हिसाब से इतना सामान बहुत होने वाला है अपनी स्वॉर्ड को बनाने के लिए। तो चलो करते हैं बनाना स्टार्ट। तो अभी मैं अपनी स्वॉर्ड का हैंडल बना रहा हूँ और मैं एकदम खतरनाक सी स्वॉर्ड बनाऊंगा जिससे कोई भी एक हिट में मर जाए। ठीक है तो आधा हैंडल बन के तैयार हो चुका है हमारे स्वॉर्ड का। तो ये बन चुका है हमारे स्वॉर्ड का हैंडल और अच्छा लग रहा है ठीक मतलब। और अभी तो आधे से भी कम काम हुआ, अभी तो मेरे को और भी बनानी। 2000 years later ये टट्टी किसने की है? क्या अच्छी तो लग रही है देखने में। अबे यार मेरे को खुद को हंसी आ रही है स्वॉर्ड को देखने में, ये क्या बना दिया यार मैंने। पर चलो कोई ना, देखो गाइस ये स्वॉर्ड तो लग रही है कम से कम देखने में। नहीं लग रही क्या मेरे को? तो लग रहा है। चलो जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलो चलते वर्ल्ड में अपने वापस। ओके तो बस अपने को यहाँ पे इस बटन को दबाना है और अपन पहुंच जाएंगे अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। और चलो करते इसको। और ये मैं पहुंच चुका हूँ भाई साहब, क्या तगड़ी स्वॉर्ड मिली है मेरे को। चलो इससे इस हॉर्स को मार के देखता हूँ। अबे भाई साहब एक हीट में मर जा रहे हैं ये सब। यार ये स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा तगड़ी है। चलो एक काम करता हूँ फर्स्ट पर्सन में जाके देखता हूँ। अबे भाई ये स्वॉर्ड है कि क्या, मैं तो इसको हाथ में भी नहीं पकड़ पा रहा। कुछ ज्यादा ही बड़ी स्वॉर्ड है कि गाइस ये तो। पर मैंने जैसा बनाया था वैसी की वैसी आई है मेरे पास। तो चलो अभी अपन विलेज में चलते हैं क्योंकि मेरे को आयरन गोलम पे इसको ट्राई करके देखना वो एक हिट में मर पाता है कि नहीं। वैसे तो मर जाएगा मेरे हिसाब से, पर विलेज इधर साइड ही था। अरे हाँ ये मैं पहुंच चुका हूँ विलेज में। अब बस आयरन गोलम को ढूंढते हैं अपन। चलो इस विलेज से चल के पूछते हैं, ए विलेजर तूने आयरन गोलम को देखा है क्या? अच्छा बेटा नहीं बताएगा, ये देख ये ले एक हिट में मर गया ये भी। अबे ये आयरन गोलम किधर है यार, मिल ही नहीं रहा। चलो कोई ना इस हेबल को तोड़ लेते, विलेज में आया तो कुछ तो चोरी करे। वो आयरन गोलम सामने, चलो चलते उसके पास और देखते हैं मर पाता है कि नहीं। ओ भाई एक हिट में मर गया ये भी। चलो चल के देखते हैं इसने कितने आयरन दिए। 4 आयरन दिए। चलो कोई ना। तो चलो अभी रात हो चुकी है तो सबसे पहले अपन जाके सो जाते हैं। ए विलेजर हट। हाँ बड़ी अच्छी नींद आई। अब मेरे हंगर पर कुछ ज्यादा ही कम हो गए। तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ खाने का आइटम बनाया जाए। तो चलो चलते वापस अपने वर्ल्ड में। और ये पहुंच चुके अपन वापस से बिल्ड प्लेस पे। और अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक बर्गर बनाते हैं, देखते अपने पास आ पाता है या नहीं बर्गर। तो उसके लिए मैं वो चाहिए सबसे पहले हेबल। ठीक है तो मैंने आइटम ले लिया जिससे मेरे को बनाना है। और सबसे पहले अपन हेबल रखते हैं। Hours later. और ये बन चुका अपना बर्गर। वैसे बर्गर कम लग रहा है और सैंडविच ज़्यादा लग रहा है। और चलो अब गेम में जाकर देखते हैं मेरे पास आता है या नहीं। और अबे मैंने बर्गर मांगा था, इनने ये मेरे को क्या दे दिया, इंचांटेड एप्पल। इतना बुरा बिल्ड नहीं करता यार मैं। पर चलो कुछ तो मिला वही बहुत है अपने लिए। चलो इसी को खा के अपने हंगर बार बढ़ा लेते हैं।
तो गाइस अब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना एक खतरनाक सी बाइक बनाए जाए हमारे लिए, क्योंकि यार अपन चल चल के थक जाते हैं। तो चलो चलते हैं वापस। ओके तो मैं आ चुका हूँ, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ टायर्स बाइक के, जो कि मैं ब्लैक वूल से बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक, इतना बड़ बड़ टायर बहुत है। और ये बन चुकी है अपनी बाइक, और ये मेरे को पिछली दो बिल्ड से तो ठीक ही लग रही है, बस ये मेरे साथ स्केप ना कर दे बर्गर वाला। ठीक है तो चलो चलते वापस अपने वर्ल्ड में। ओ बॉय क्या तगड़ी बाइक मिली है मेरे को। अरे यार ये पिछने के साथ अटैक करना स्टार्ट कर दिया मेरे को, पहले इनको मार के खत्म करता हूँ। ये ले शिट यार, मेरे को ही डैमेज मिल रहा है, और मेरी इन्वेंटरी में तो और भी बाइक हैगी। तो ये हुई ना बात है। तो चलो इस बाइक के ऊपर बैठ के इसको राइड करते हैं। बॉय कितनी स्पीड से चल रही है ये, एकदम खतरनाक लुक है इस बाइक का। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।